अमृतसर के रेल हादसे में मारे गए लोगों की आत्मा शांति के लिए पंजाब के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर विक्रम मजीठिया ने गुरुद्वारे में अखंड पाठ रखवाया। इस मौके पर विक्रम मजीठिया ने कहा कि हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को इंसाफ मिलता नजर नहीं आ रहा, सब जगह राजनीति की जा रही है। क्या सरकार की दी गई 5-5 लाख से इनका घर चल पाएगा? मजीठिया ने मृतकों के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की बात कही है। सारा 6 दिन हो गए, कोई घर पूछने आती, रोटी खाधी नहीं खाधी, तुहाडे बच्चे नूं की होया की नहीं होया, किसी ने कोई जानकारी नहीं दी। भाई वड्डे भाई आए, इन्होंने थोड़ी हिम्मत दी सानूं उत्थे तक लै के आए है। नवजोत सिंह सिद्धू इन्हां दे खिलाफ दित्ती आ, इहदी अपने सौरव मिठू दे खिलाफ दित्ती आ, ते नवजोत कौर सिद्धू जी दे ते नवजोत सिंह सिद्धू दा दे। ये मैं जी इन्होंने दी अपनी एप्लीकेशन मैं सीनियर अफसर के भी मतलब पेश कराँगा, जो भी जिन्हों भी वो यदि इनकुआरी देने मार्क करे ज दसनगे उ इनकुआरी की जाओ, जो इनकुआरी करने तो बाद जो दोषी पाया जाएगा वो खिलाफ़ कर। एडा वड्डा हादसा श्री अमृतसर साहब की गुरु रामदास महाराज की धरती से वापरिया हो, जिथे प्रशासनिक फिगर तो है जी कि 65 बंदियां दी डैथ हुई है, मगर जेडे चश्मदीद गवाह ने जी तुसी उन्हां दी गल सुनो, वो कहिंदे आ जी 100 तो ये आंकड़ा वध सी। तुसी जद जाके गली गली उत्थे फिरो, जौड़े फाटक ते उत्थे जाओ, थोनू ये समझ आउंदी है कि एक वजीर नू नवजोत सिंह सिद्धू नू नवजोत कौर सिद्धू नू जेड़ा मिठू उन्हां दा काउंसलर है सौरव मदान मिठू, उन्हूं ते होर ऑर्गनाइजर नू बचाउण वास्ते राहुल गांधी ते इशारे ते राहुल गांधी ते दबा ते किवें सारी कांग्रेस सरकार काम कर रही है। देश दुनिया अपने प्रदेश की अन्य खबरों के लिए एनवी न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।